बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी विल स्टडी आवर न्यू यूनिट दैट इज़ हेल्थ एंड सेफ्टी। हेल्थ एंड सेफ्टी बेसिकली वी कैन रिलेट इट विद आवर बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी जो है, उसकी हेल्थ बहुत ज़रूरी है ताकि हम हेल्दी रह सकें, फिट रह सकें। और बहुत सारी चीज़ें जिनसे हमें एहतियात करनी चाहिए, जैसा कि इलेक्ट्रिक की चीज़ें होती हैं, इसी तरह से कुछ मशीन्स होती हैं जिनसे हमें एहतियात करनी चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसा चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह होती हैं, तो हमें उनसे बचना चाहिए। सो वी विल स्टार्ट रीडिंग आवर लेसन दैट इज़ हेल्थ एंड सेफ्टी। मशीन्स वर्क बेटर एंड फॉर लॉन्गर इफ़ दे आर लुक्ड आफ्टर प्रॉपरली, यानी कि अगर हम चीज़ों की हिफाजत करेंगे, अच्छे तरीके से एहतियात से रखेंगे, जैसा कि हम मशीन्स को बहुत अच्छे तरीके से एहतियात से रखेंगे, तो वो अच्छे और देर तक काम करेंगी। इसी तरह ह्यूमन बॉडी जो है, वो भी अगर हम उसकी बहुत अच्छे तरीके से हिफाजत करेंगे, हम उसको अच्छी ग़िज़ा देंगे और उसको बाकायदगी से जो चीज़ों की उसको ज़रूरत है उसको वो प्रोवाइड करेंगे, तो क्या है कि मशीन्स की तरह हमारी बॉडी भी एक प्रॉपर तरीके में काम करती जाएगी। मशीन्स दैट आर नॉट यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकम रस्टी। रस्टी का मतलब होता है जंग आलूद, यानी कि वो चीज़ें या वो मशीन्स जिनको हम बहुत देर तक इस्तेमाल नहीं करते, आहिस्ता आहिस्ता उनको जंग लगने लग जाता है। इसी तरह एग्जांपल उन्होंने हमारी बॉडी की दी है, योर बॉडी इज़ लाइक अ मशीन बट इट कैन मेंड इट्सेल्फ, यानी कि हमारी जो बॉडी है वो एक बिल्कुल मशीन की तरह है, लेकिन वो हर चीज़ की मुरम्मत खुद कर देती है। इफ़ यू कैन कट योर सेल्फ द वोंड विल सोन हील इफ इट इज़ कैप्ट क्लीन। अब वो कह रहे हैं कि जैसे आपको अगर कट लग जाए तो क्या होता है कि हम उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन लगाते हैं, लेकिन वो मेडिसिन भी तभी काम आती है जब हमारी बॉडी जो है वो खुद ब खुद जो ज़ख़म है उसको हील करती है। हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सेल्स बने हुए हैं जो अल्लाह ताला ने बनाए हैं, जो हमारे ज़ख़म को खुद ब खुद भर देते हैं। टू कीप द बॉडी वर्किंग वेल वी हैव टू लुक आफ्टर इट प्रॉपरली। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो अच्छे तरीके से काम करती रहे, तो हमें चाहिए कि हम उसकी हिफाजत करें। जैसा कि अगर हम उसी ज़ख़म को गंदा छोड़ दें, उसकी सफाई ना करें, उसके ऊपर जर्म्स आएंगे, उसके ऊपर बैक्टीरिया लगेगा, तो क्या होगा कि वो जो ज़ख़म है वो ठीक होने की बजाय मज़ीद ख़राब हो जाएगा। इसी तरह अगर हम अपनी बॉडी के उस ज़ख़म की थोड़ी सी हिफाजत करेंगे, तो कुदरती तौर पर, नेचुरली तौर पर उसके अंदर खुद ब खुद जो है वो हील अप हो जाएगा। सो गुड फूड, प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, फ्रेश एयर, इनफ स्लीप एंड क्लीन हैबिट्स ऑल हेल्प द बॉडी टू लास्ट अ लॉन्ग टाइम। अब जिस तरह से हम मशीनों की हिफाजत करके उनको ज़्यादा अरसे तक चला सकते हैं, इसी तरह अगर हम अपनी लाइफ ज़्यादा चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम अच्छी ग़िज़ा खाएँ, एक्सरसाइज करें ज़्यादा सी, ताज़ा हवा में ज़्यादा सांस लें और 8 घंटे के लिए रोज़ाना लाजमी सोएं और अपने आप को अच्छी आदत अपनाएं ताकि हमारी बॉडी जो है वो ज़्यादा अरसे तक काम कर सके। एज वी कैन सी इन दिस पिक्चर कि ये ह्यूमन बॉडी है जिसके अंदर वो बच्चा ताज़ा हवा में खेल रहा है। आजकल क्या होता है, मोबाइल फ़ोन्स पे ज़्यादा खेलते हैं, जिसकी वजह से हम मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिज़िकली भी फिट नहीं रहते। बैलेंस डाइट, जैसा कि फूड्स वगैरह का इस्तेमाल हो रहा है और प्रॉपरली जो टीथ हैं वो ब्रश हो रहे हैं ताकि हमारे दांत साफ़ रहें, हम हेल्दी रहें, हम अच्छा फूड खाएं। इसके अलावा हम यहाँ पर देख सकते हैं कि उसने बाइसिकल चलाने से पहले प्रिकॉशंस ली हुई हैं, हेलमेट पहना हुआ ताकि उसको एक्सीडेंट से बच सके। और अगर किसी को खांसी वगैरह होती है तो हमें चाहिए कि हम आगे रुमाल टिशू पेपर रखें ताकि हम जर्म्स से बचें और दूसरों को भी अपने जर्म्स ना लगने दें। सो द फर्स्ट थिंग इन द गुड हैबिट इज़ द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मेक्स बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग। एक्सरसाइज की वजह से क्या होता है, हमारे बोन्स भी स्ट्रॉन्ग होती हैं और हमारे मसल्स, पट्ठे जो हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। इट आल्सो लीड्स टू बेटर हेल्थ एंड इट मेक्स पीपल फील गुड। अब एक्सरसाइज क्या करती है कि हमें अच्छी सेहत देती है और हमें अच्छा फील भी करवाती है। सम एक्सरसाइज, जैसा कि अगर हम सुबह के टाइम मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, तो हम हल्का हल्का महसूस करते हैं, हमारा जहन फ्रेश हो जाता है। सम एक्सरसाइज सच एज वॉकिंग और प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड रिक्वायर्स लिटल एफर्ट। अब कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं जिनके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, जैसा कि अगर हम प्ले ग्राउंड में खेल रहे हैं या वॉक कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी एक्सरसाइज होती हैं सच एज रनिंग, प्लेइंग स्पोर्ट्स और स्विमिंग फास्ट इज मोर विग्रस, यानी कि उसके लिए हमें सख्त जान कुछ मेहनत चाहिए होती है, जान लगानी पड़ती है उनके लिए, ताकि हमारी बॉडी को उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए। इट मेक्स आवर हार्ट्स, लंग्स एंड मसल वर्क हार्डर। और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे हार्ट, हमारा
जो लंग्स हैं और हमारे जो मसल्स हैं वो मजबूत हो जाते हैं और अच्छा सा काम करने लग जाते हैं. वी शुड एम टू डू अ रेंज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ टू वर्क आवर बॉडीज़ एंड कीप फिट. अब वो कह रहे हैं कि हमें चाहिए कि हम ऐसी एक्टिविटीज़ करें जो हमारी बॉडी को और हमें फिट रखने में मदद कर सकें. What is a good food? अब नेक्स्ट हम बताएं पढ़ेंगे कि हमें कौन सी अच्छी ग़िज़ा खानी चाहिए. We need to eat a balanced diet to stay healthy. हमें जो है balanced diet चाहिए ताकि हम healthy रह सकें, सेहतमंद रह सकें. And what is a balanced diet? A balanced diet is eating a wide variety of foods in the right amounts and having the right amount of food and drink to achieve and maintain a healthy body weight. Balanced diet क्या है कि एक बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ फूड में से हमें बिल्कुल ठीक अमाउंट में खाना चाहिए, यानी कि वैरायटी ऑफ फूड हो लेकिन वो भी अच्छी वैरायटी हो, बर्गर्स वगैरह ना हो, और उनमें से हमें वही अमाउंट खानी चाहिए जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत है. ज़्यादा खाएंगे तो मोटापा हो जाएगा, कम खाएंगे तो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी. एंड हैविंग द राइट अमाउंट ऑफ फूड एंड ड्रिंक टू अचीव एंड मेंटेन अ हेल्दी बॉडी वेट, ताकि हमारा जो बॉडी वेट है वो हेल्दी रहे, हमारी एज के लिहाज से, हमारी हाइट के लिहाज से जो हमारा वेट है वो बिल्कुल फिट रहे. हेयर इज़ अ गाइड टू द अमाउंट्स ऑफ ब्रेड, राइस एंड ग्रेन्स, मीट, फिश, नट्स एंड एग्स, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एंड फैट्स एंड शुगर्स वी शुड ईट. अब इसके डायग्राम के अंदर उन्होंने एक बताया हुआ है कि हमें कौन सी अमाउंट जो है किस ग्रुप से लेनी चाहिए, कितनी अमाउंट किस ग्रुप से लेनी चाहिए. अब इस डायग्राम को जो उन्होंने यहाँ पे हमें फूड के बारे में गाइड कर दिया, इसको हम कहते हैं फूड पिरामिड. और इसके अंदर जो ब्लू पोर्शन है दैट रिप्रेजेंट्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इसकी अमाउंट हमें ज़्यादा लेनी चाहिए. उसके बाद हमारे पास ग्रीन, डार्क ग्रीन पोर्शन में ग्रेन्स एंड सीरियल्स एंड पोटैटोज़ हैं. अब इसकी भी अमाउंट हमें ज़्यादा लेनी चाहिए क्योंकि दीज आर द क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी एंड फाइबर, और क्या होता है कि इसकी वजह से हमें मोटापा बहुत कम होता है. डेयरी प्रोडक्ट्स जो है उसके बाद हमें लेनी चाहिए, और मीट, फिश, नट्स एंड एग्स हमें थोड़े से कम पोर्शन में एज़ कम्पेयर टू ग्रेन्स एंड सीरियल्स एंड पोटैटोज़ लेना चाहिए. देन बिल्कुल लास्ट में जो सबसे कम पोर्शन है हमें फैट्स और शुगर्स का लेना चाहिए, ताकि हम फैट्स और शुगर से हमारे दांत भी ना खराब, ज़्यादा अमाउंट में अगर लेंगे तो दांत ख़राब हो जाएंगे, हमें मोटापा वगैरह हो जाएगा, तो उन सब चीज़ों से बच सकें. हेयर इज़ अ वे ऑफ हेल्दी लाइफ एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो गर्ल है दैट इज़ डूइंग एक्सरसाइज, जिसकी वजह से, और बैलेंस डाइट में फ्रूट्स वगैरह खा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ तो एक्टिव है और हम हेल्दी रह सकते हैं. स्लीप एंड रेस्ट. स्लीप एंड रेस्ट में वी कैन से योर बॉडी एंड योर ब्रेन नीड टू रेस्ट. व्हेन वी स्लीप वेल वी फील रिफ्रेश्ड. An 8-year old usually needs about 10 hours of sleep every night. यानी कि हमें अगर अच्छे तरीके से सोएंगे तो क्या है कि हमारी बॉडी भी फ्रेश रहेगी और हमारा ब्रेन भी फ्रेश रहेगा. और क्या होगा कि अगर एक 8 साल का जवान है तो उसको कम से कम 10 घंटे सोना चाहिए रात को. एंड इफ़ यू डू नॉट गेट इनफ स्लीप योर बॉडी एंड योर ब्रेन गेट कैन बी अफेक्टेड. You may feel grumpy, unable to concentrate and not have much energy. क्या होता है कि फिर हमें अच्छे तरीके से नींद नहीं आएगी, हमें लगेगा कि हमारा बॉडी, हमारा जिस्म मुतासिर हो रहा है, हम किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर सकेंगे, हमें गुस्सा आने लग जाएगा, तबीयत में जो है वो चिड़चिड़ापन आ जाता है और हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी भी नहीं मिलती काम करने के लिए. नेक्स्ट इज़ द स्टेइंग सेफ. द वर्ल्ड अराउंड अस इज़ अ प्लेजेंट प्लेस बट इट कैन बी डेंजरस टू. यानी कि अब क्या चाहिए हमें, गुड हैबिट्स में हमें अपने आप को सेफ़ रखना चाहिए, बुरी चीज़ों से, बिजली की चीज़ों से अपने आप को बचाना चाहिए. अब देख सकते हैं कि हमारी जो इर्द गिर्द की दुनिया वो बहुत प्लेजेंट है लेकिन उसी तरह वो ख़तरनाक भी है. इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस टू लुक केयरफुली बिफोर वी डू एनीथिंग एंड थिंक बिफोर वी एक्ट. यानी कि हमें कुछ भी करने से पहले एहतियात से अच्छे तरीके से सोच लेना चाहिए, और फिर हमें काम करने से पहले वो काम सोच लें कि हमारे लिए ठीक भी है या नहीं है, उससे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा. फॉर एग्ज़ाम्पल, फायर वर्क्स आर ब्यूटीफुल टू लुक एट बट दे कैन कॉज मैनी इंजरीज. जैसा कि आतिशबाजी ये लड़की कर रही है, दिखने में कितना अच्छा लग रहा है लेकिन क्या होता है कि इससे बहुत सी हमें जख्म, खुद भी ज़ख्मी हो सकते हैं, हमारे इर्द गिर्द भी आग लगने का खदशा हो सकता है, या किसी दूसरे बच्चे को या किसी के ऊपर जो है शोला गिर सकता है, तो वो
बर्न हो सकता है. यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम एट होम, इन स्कूल, ऑन योर स्ट्रीट और एट द प्लेग्राउंड. लेट अस लुक द डेंजर्स इन दीज प्लेसेस. अब वो किन जगहों पे, अपने घरों में ही बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें ख़तरनाक हो सकती हैं, स्कूल के अंदर, स्ट्रीट के अंदर, प्लेग्राउंड के अंदर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी सम डेंजरस प्लेसेस इन आर एट आर होम. इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी यूजफुल. इट गिव्स अस लाइट एंड हीट. इट मेक्स मैनी थिंग्स वर्क. अब बिजली जो है वो क्या करती है कि हमें रोशनी भी दे रही है और हीट भी दे रही है और बहुत सी चीज़ों को काम करने में मदद करती है. इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी पावरफुल एंड इलेक्ट्रिक शॉक कैन किल अ ह्यूमन. वह इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पावरफुल होती है कि अगर किसी को एक धचका इंसान को लग जाए, एक शॉक लग जाए उसका, तो वो मर भी सकता है. दिस इज़ वाई ऑल इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड वायर्स आर कवर्ड विद प्लास्टिक. इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास थ्रू प्लास्टिक. अब ये हम देख सकते हैं कि इस वायर को ब्लैक कलर की प्लास्टिक से लपेटा हुआ है, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो इंसुलेटर है और उसके ज़रिए से फिर करंट नहीं गुजरता. नेवर प्लेस लिक्विड्स नियर इलेक्ट्रिकल मशीन्स. यानी कि अब बिजली से चलने वाला टीवी है, इसके ऊपर अब हमने देखे फिश जार रख दिया जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान दिया. टीवी के ऊपर पानी गिरेगा तो वो तो नुकसान ख़राब हो गई होगा, इसके अलावा वो बिजली जो है वो जल्दी से पानी खींच सकती है और करंट लगने का खदशा होता है. नेवर यूज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस नियर वाटर. पानी के करीब ये देख सकते हैं कि हेयर ड्रायर पड़ा हुआ है जो हमें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस तरह से उसमें भी पानी जाके करंट लगने का अंदेशा हो सकता है. और ह्यूमन बॉडी जो है वो कंडक्टर है, उसको बहुत जल्दी इलेक्ट्रिक करंट लग जाता है. There are many sharp instruments in the home. They have a purpose. Use them carefully. Never run with them or leave them lying around. यानी कि वो कह रहे हैं कि बहुत तेज़ आलात होते हैं हमारे घरों में, हमें उनका कोई ना कोई काम मकसद होता है, लेकिन अब ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ को छेड़ें या बच्चों उनको, हमें चाहिए कि हम उन शार्प इंस्ट्रूमेंट्स को बच्चों की पहुंच से दूर रखें और सिर्फ तभी इस्तेमाल करें जब उनकी ज़रूरत हो, और उनको फिर खुला ना छोड़ दें. जैसा सीजर्स वगैरह है, मैथ स्टिक है, तो हमें उसको उसी तरह नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि हमें उसको अच्छी तरह से फिर डिस्कार्ड करना चाहिए अगर ज़रूरत नहीं है. और अगर हमें बाद में भी उसकी ज़रूरत है तो हमें क्या करना चाहिए, उसको सेफ़ प्लेस पर रखना चाहिए. इन द किचन नेवर गो नियर टू द स्टोव. कीप क्लियर ऑफ फूड डैट इज़ कुकिंग. यानी कि हमें चूल्हे के पास बिल्कुल करीब नहीं पहुंचना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, और वो वाला खाना जो हम पका रहे हैं हम उसको क्लियर रखें, साफ़ सुथरा रखें. बॉइलिंग वाटर कैन बर्न द स्किन. हॉट ऑयल कैन कॉज बैड बर्न्स. नेवर प्ले विद रेजर्स, ग्लास एंड मेडिसिन. यानी कि जो उबलता हुआ पानी है वो हमारी स्किन जला सकता है, हॉट ऑयल जो है वो हमारी स्किन को भी जला सकता है बहुत बुरी तरीके से, और ना ही हमें रेजर्स ब्लेड और शीशे से दवाइयों से नहीं खेलना चाहिए. इन द बाथरूम बी केयरफुल ऑफ स्लिपरी फ्लोर्स. अब ये देख सकते हैं कि हम वॉशरूम में हमें जो है पानी गिरा हुआ है तो हम स्लिप हो सकते हैं, तो हमें एहतियात से चलना चाहिए. स्कूल के अंदर क्या क्या जो हैं चीज़ें हमारे लिए बैड हो सकती हैं. बैड बिहेवियर लीड्स टू मैनी एक्सीडेंट्स. हमें एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, बुरा करेंगे तो हम एक दूसरे को धक्के वगैरह देंगे और क्या होगा कि एक्सीडेंट हो सकते हैं. दिस इज़ वाई देयर आर स्कूल रूल्स. फॉलो द रूल्स एंड यू विल नॉट हर्ट योर सेल्फ और अदर्स. इसी तरीके हमने स्कूल के कुछ रूल्स बना देते हैं ताकि हम उनको फॉलो करें, ना ही हमें नुकसान हो और ना ही हमारे इर्द गिर्द किसी दूसरे को नुकसान हो. डू नॉट थ्रो थिंग्स इन क्लास. डू नॉट क्लाइंब ऑन द डेस्क. यूज़ स्कूल इक्विपमेंट केयरफुली. ना ही हमें चीज़ों क्लास में चीज़ों को फेंकना चाहिए, ना ही हमें दीवारों पर चढ़ना चाहिए, डेस्क पर चढ़ना चाहिए. स्कूल की आलात को हमें एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए. ऑन द स्ट्रीट. अब सड़क के ऊपर हमें किस तरह से एहतियात करनी चाहिए. Always keep your ears open. Listen for the sound of approaching vehicles. Never play on busy roads. हमेशा हमें अपने कानों को खुला रखना चाहिए, क्योंकि अगर आसपास कोई भी व्हीकल आ रहा है तो हम उसकी आवाज़ सुन के साइड पर हो जाएं. और हमें कभी भी बिजी रोड पर नहीं खेलना चाहिए. When you are walking along a busy road, walk on the pavement, cross the road at a safe place, look carefully in both directions before crossing the road. पैदल चलते हुए हमें कभी भी बिजी रोड पर नहीं चलना चाहिए, बल्कि हमें साइड पे पेवमेंट पे चलना चाहिए. इसके अलावा हमें हमेशा सेफ़ प्लेस पे चलना चाहिए और दोनों तरफ देखकर फिर आगे को रोड को क्रॉस करना चाहिए. प्लेग्राउंड के अंदर वॉच आउट फॉर यंगर चिल्ड्रन. योर एक्शंस में कॉज एन एक्सीडेंट. वेट फॉर योर टर्न एंड बी पेशेंट. डू नॉट प्ले रफली.
यानी कि हमें अगर प्लेग्राउंड में अपने से छोटे बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, उनको हमारे किसी भी एक्शन से कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, इसीलिए हमें सब्र के साथ अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए और बहुत बुरे तरीके से बेहंगम तरीके से नहीं खेलना चाहिए। फर्स्ट एड, इफ़ समवन गेट्स हर्ट कॉल एन अडल्ट टू हेल्प, अगर कोई ज़ख्मी हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, किसी बड़े को बुलाकर मदद मांगनी चाहिए। टू नॉट क्राउड अराउंड द इंजर्ड पर्सन, जो ज़ख्मी बंदा हो गया उसके गिर्द जो है हमें ग्रोह बना के नहीं खड़े हो जाना चाहिए। डू नॉट ट्राई टू मूव द इंजर्ड पर्सन, और ख़ुद ब खुद हमें ज़ख्मी पर्सन को मूव भी नहीं करवाना चाहिए, किसी की हेल्प से हमें उसको सेफ प्लेस तक पहुंचाना चाहिए। अब हेल्दी हैबिट्स कौन कौन सी हैं, हमें फिट रहने के लिए हमें चाहिए कि हम 8 घंटे की नींद लें, हम एक्सरसाइज करें और अच्छे तरीके से अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें और फिर खेलें। हमें हेल्दी रहने के लिए चाहिए कि हम अपने आप को साफ़ सुथरा रखें और अपने जो खाना खा रहे हैं उसको भी साफ़ रखें और अपने आप को जर्म फ्री रखें। स्टे एनर्जाइज्ड, यानी कि हमें अच्छा खाना खाना चाहिए जिसके अंदर हमें न्यूट्रिएंट्स मिले, हमें डेरी ग्रुप भी हो, ग्रेन्स हों, वेजिटेबल्स हों और फ्रूट्स हों। और सेफ़ रहने के लिए हमें चाहिए कि हम खेलते हुए प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ खेलें और सेफ्टी रूल्स को अपनाएं। और स्टे हैप्पी मीन्स मेक गुड चॉइसेस एवरी डे फॉर अ हैप्पी हेल्दी यू, ताकि हम अच्छी चॉइसेस बनाएं, ताकि हम अच्छे तरीके से रहें।